फ्रेंड्स, आज फिर मैं आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे एलटी फूड्स के शेयर के लेटेस्ट न्यूज के बारे में। और दोस्तों, एलटी फूड्स का क्वार्टर टू का रिजल्ट जिस प्रकार से अभी अनाउंस हुआ है, प्रॉफिट करीब 63% के करीब अप गया है। तो अभी क्या टारगेट प्राइस बनते हैं, क्या बाइंग लेवल होंगे, क्या हमें बाई करना चाहिए या प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, इन सारे क्वेश्चन के आंसर हम लोग न्यूज और चार्ट की एनालिसिस के माध्यम से देंगे। तो दोस्तों, चलिए चर्चा करते हैं एलटी फूड के शेयर के बारे में। और दोस्तों, पूरा वीडियो देखना मत भूलिएगा। जब आप पूरा वीडियो देखेंगे और डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है दोस्तों, वहाँ पर आप इंट्राडे ट्रेडिंग नेटवर्क से हमारे जुड़ सकते हैं, तो आपको एलटी फूड के बारे में डेप्थ में पता चलेगा। तो चलिए दोस्तों, चर्चा करते हैं एलटी फूड के बारे में। एलटी फूड की शेयर की लेटेस्ट न्यूज यही निकल के आ रही है कि आज इनका रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है। अभी रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है और रिजल्ट में बहुत ही इनकरेजिंग रिजल्ट आया है। एलटी फूड्स का लीडिंग राइस बासमती ग्रुप रिपोर्टेड 63% राइज इन कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट फॉर सितंबर 2020-21 एट ₹77 करोड़। तो 77 करोड़ का इनको प्रॉफिट हुआ है और 63% अप प्रॉफिट हुआ है। कहीं ना कहीं आप इनको बासमती राइस के रूप में जानते हैं, दावत बासमती राइस इनका प्रोडक्ट एलटी फूड का, तो उसमें कहीं ना कहीं ग्रोथ देखने को मिली है और बेहतरीन ग्रोथ देखने को मिली है। तो दोस्तों, इनका अभी जुलाई से सितंबर 2020 का जो नेट इनकम इंक्रीज हुई है वो 984 से इंक्रीज होके 1218 करोड़ पहुंच गई है। तो डेफिनेटली दोस्तों, ग्रोथ का आस्पेक्ट देखिए, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बेहतरीन रिजल्ट प्रस्तुत करते जा रहे हैं। तो ये एक अच्छी क्वालिटी का शेयर है। अगर दोस्तों आपको याद हो तो आज से शेयर 2-3 साल पहले लगभग 100-120 रुपये पे इसने पीक बनाया था। वहाँ से करेक्ट होते होते इसमें लोगों को पोटेंशियल नहीं दिखा, लेकिन दोस्तों लगातार अगर आप देख रहे हैं पिछले कोरोना वायरस टाइम से 13 रुपये मिनिमम प्राइस से इसने अब करंटली 63 रुपये तक के भी लेवल दिखा दिए। लगभग शेयर 4 गुना से 5 गुना हो चुका है। तो अभी क्या बाइंग लेवल होंगे? और दोस्तों, सबसे बड़ी चीज़ कि एलटी फूड ने डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है, 50 पैसे का डिविडेंड डिक्लेयर किया है पर शेयर के हिसाब से। तो बेहतरीन कंपनी, बेहतरीन रिजल्ट। चलिए दोस्तों, चार्ट के माध्यम से देखते हैं क्या बाइंग लेवल होंगे। दावत शेयर का अगर एनालिसिस करें और निफ्टी डेटा, दावत शेयर इसको क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एलटी फूड्स को दावत बासमती राइस के नाम से भी जाना जाता है। तो एलटी फूड्स का करंट प्राइस 53 रुपीज़ 15 पैसे है और इसका जो पी बाई ई अगर आप देखें तो 19 रुपये 39 पैसे है, जो कि इंडस्ट्री एवरेज अगर आप देखें एफएमसीजी सेक्टर का 37 है, वहाँ से काफ़ी कम है। यानी ये शेयर अंडर वैल्यूड चल रहा है और कभी भी ये शेयर काफ़ी उठ सकता है और ये जो अपना इसका लेवल होना चाहिए था 100 रुपये के आसपास, वहाँ पे पहुँच सकता है। खूबियाँ, रिजल्ट भी अच्छा आ रहा है, बट क्योंकि शेयर मार्केट रिस्क से अधीन है तो हमेशा एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करना चाहिए। 52 वीक का लो देखिए तो 13 रुपये के आसपास बना, 52 वीक का हाई 63 रुपीज़ का, यानी अगर लो से देखें तो लगभग 5 गुना शेयर के दाम हो चुके हैं। बीटा 0.79 है, यानी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग नहीं रहता है। डिलीवरी 35% एक अच्छी डिलीवरी है, रिस्क रेशियो भी अच्छा है, रिजल्ट भी अच्छा आया। तो दोस्तों, चलिए चर्चा करते हैं कि क्या बाइंग लेवल होंगे। तो एलटी फूड का स्टॉक एनालिसिस देखें 1 मंथ के व्यू में। तो 1 मंथ का मैंने एक चार्ट सेलेक्ट किया, बॉलिंगर बैंड इसको बोलते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो करंट जो प्राइस वो 53 के आसपास है, मिडिल पे स्टैंड कर रहा है। यहाँ से देखें तो बॉटम इसका 48 के अराउंड लगभग निकल के आ रहा है और 58 के आसपास अपर बैंड निकल। तो अगर हम करंट लेवल से एक सोचे कि कितना अपसाइड जा सकता है, तो मेरा एक कंसर्न है कि 58 का लगभग यहाँ से 5% के आस 10% के आसपास मूवमेंट देख सकते हैं। यानी 58 का एक टारगेट प्राइस यहाँ से रख सकते हैं और जो स्टॉप लॉस रखना है वो 48 का स्टॉप लॉस रखना है। दोस्तों, अगर बाइंग लेवल रखा जाए, अगर किसी को फ्रेश बाई करनी, मैं इसको होल्ड की सलाह दूंगा
जिनके पास है, लेकिन जिनको अगर फ्रेश बाइंग करना है तो लगभग वो अभी थोड़ा सा इंतज़ार करें, क्योंकि शेयर काफ़ी चल चुका है और यहाँ पे अगर आप वॉल्यूम देखें लास्ट में तो काफ़ी ज़्यादा गिरावट हुई है पिछले 2 से 3 ट्रेडिंग सेशंस में। तो लगभग ये शेयर ने 15 से 20% का करेक्शन दिखा दिया है। तो अभी रिजल्ट अच्छा आया है, 50 RSI इंडिकेट कर रहा है ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड मोड, तो मैं यही सजेस्ट करता हूँ कि RSI को 37 के आसपास आने दीजिए, यानी कि शेयर को लगभग 50 रुपये के आसपास का लेवल आए, 49 रुपीज़ के आसपास, तब इसमें इन्वेस्ट करिए अगर फिर फर्दर आपको बाई करना है। अगर आपके पास ऑलरेडी बाइड है तो आपको इसको 48 के स्टॉप लॉस के साथ 58 के टारगेट फिक्स रखने पड़ेंगे। LT शेयर फूड्स का शेयर प्राइस टारगेट अगर देखें एक साल के लिए, तो अभी हमारे बहुत ज़्यादा अपसाइड टारगेट नहीं निकल के आ रहे, होल्ड रेटिंग दी है हमने, लेकिन अगर यही शेयर 49 रुपीज़ का हो जाए तब यहाँ से हमारे टारगेट्स और इम्प्रूव हो जाएंगे और तब हमको 15 से 20% का रिटर्न इस शेयर में मिल सकता है। तो लगभग टारगेट हमारे जो अभी 1 मंथ के निकल के आ रहे हैं, अगर हम 1 मंथ के लिए देखें, क्योंकि बहुत लॉन्ग टर्म इस शेयर में नहीं कह सकते, ऑलरेडी 4 गुना चल चुका है, तो हर एक शेयर चाहे इतनी अच्छी क्वालिटी का शेयर हो थोड़ा सा करेक्शन की ज़रूरत होती है। तो 53 का अगर करंट मार्केट प्राइस है तो 56 का टारगेट रखिए और 48 का स्टॉप लॉस लगाइए, होल्ड रेटिंग होगी हमारी। हमें फॉलो करिए, द ट्रेडिंग बुल्स नाम से जाने जाते हैं, टेलीग्राम ट्विटर और फेसबुक चैनल पर। शेयर मार्केट रिस्क के अधीन है तो कृपया स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें, और ये हमारी निजी राय है, इसका किसी से लेना देना नहीं है। तो आप इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर सलाह लें और अपनी सलाह भी जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।